के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्ट्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में मंगलवार की रात हुई बारिश के पानी आने को नाले का पानी बताते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तात्कालिक हो रहे साफ सफाई का वीडियो फुटेज किया जारी। प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने क्या पलटवार, कहा गलत मंशा से सोशल मीडिया पर वीडियो किया गया है वायरल। पत्रकार वार्ता कर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा कानून व्यवस्था के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है उत्तर प्रदेश। महानगर में रोस्टर का अनुपालन नहीं कर दुकान खोलने वालों पर चला जिला प्रशासन का चाबुक। सिटी मजिस्ट्रेट ने 5 दुकानों को किया सील, कहा रोस्टर का करें पालन नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास चलाने पर दी बधाई, कहा कोई भी स्कूल फीस के लिए अभिभावक पर ना बनाए दबाव। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ किया गया पैदल गश्त, लोगों को कोरोना से बचाव के लिए किया गया जागरूक। तिवारीपुर पुलिस को विभिन्न मामलों में मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 4 टॉप 10 अपराधी सहित 1 हिस्ट्री शीटर चोर को किया गिरफ्तार, चोरी का माल किया बरामद। पुलिस की तत्परता से 24 घंटे के अंदर लापता युवक को भी किया गया बरामद। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक, छात्रों को ड्रेस सहित पुस्तकें उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। शहर में होने वाले जल जमाव से निपटने के लिए नगर निगम की टीम पूरी तरह मुस्तैद, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा शहर को जल जमाव मुक्त करने के लिए कटिबद्ध है नगर निगम की टीम। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा बाढ़ प्रभावित डोमिनगढ़ बंधे का किया गया निरीक्षण, संबंधित थाना क्षेत्रों और बाढ़ चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी किया गया अलर्ट। शासन के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय में ट्रूनेट मशीन से की जा रही जांच में किया गया संशोधन, प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने कहा अस्पताल में भर्ती मरीजों की ही की जाएगी ट्रूनेट मशीन से जांच। गोरखपुर में गुरुवार को एक साथ मिले 69 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिले में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 907, 464 स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर, 424 का चल रहा इलाज, अब तक 19 लोगों की हो चुकी है मौत, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। गुरु गोरक्षनाथ ब्लड बैंक के 15वें स्थापना दिवस पर आयोजित हुआ रक्तदान शिविर, रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित। विश्वविख्यात शायर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी की क्षतिग्रस्त प्रतिमा का कराया गया मरम्मत कर, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा जल्द ही अपने पहले जैसे स्वरूप में आएगी प्रतिमा। कमिश्नरी और विकास भवन में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी मिलने पर परिसर को 48 घंटों के लिए सील करके पूरे परिसर को किया गया सैनिटाइज, नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा सभी हॉट स्पॉट एरिया को कराया जा रहा सैनिटाइज जिससे दूर हो संक्रमण। और नदियों के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरे के साथ जहरीले सांपों और अन्य जंगली जानवरों का भी बढ़ा है खतरा, प्रमुख अधीक्षक ने कहा सांपों और जंगली जानवरों के काटने के बाद उसके इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वैक्सीन।